मनीषा ने हाइप पाने के लिए एल्विश को अनफॉलो किया। तो भाई लोग मनीषा रानी ने रिएक्ट किया है एल्विश यादव के कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, कुछ महीने पहले मनीषा रानी ने एल्विश यादव को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया था, तो फिर एल्विश यादव ने भी मनीषा रानी को अनफॉलो कर दिया और इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो थगेश ने इनसे जब ये क्वेश्चन पूछा तो उसके बाद मनीषा रानी ने क्या रिप्लाई दिया आप लोग देखे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कैसे बताया, सबको लगेगा ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि मेरा जो होता है, हम जो फील करते हैं, अगर मुझे भले आज हम सोशल मीडिया में हो गए, आ गए, फेमस हो गए, नाम मिल गया, लेकिन पहले भी हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। जैसे कभी कभी हम कुछ सैड स्टेटस भी लगाते थे, कुछ तो लोग को लगता है यार, कुछ लोग मेरे जो खुद के लोग हैं वो हमको समझाते कि अब तुम मनीषा रानी बन गई, अब तुम ये मत करो, तुम नॉर्मल लड़की नहीं रही, बट हम बोलते यार मेरा ना हर दो दिन में दिल टूटता है, फिर हम खुश होते हैं, फिर हम हैप्पी होते हैं, तो हम हमेशा ऐसे लगाते हैं। और आज हम इतने अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि हम सोच सोच के हर काम करना पड़ता, मेरे से इतना सोच के नहीं होता, हमको जो होता है तो हो जाता है, जो बोलना होता है बोल देते, जिसको जो सोचना है सोचा, इतना दुनिया के बारे में नहीं सोचते। तो एल्विश के साथ जो भी था, जो भी हुआ, चाहे दोस्ती में जो शायद उसकी तरफ से मेरी तरफ से, ऐसा कुछ हाइप का कोई सीन ही नहीं था, बस ये है कि अभी वो भी फेमस, हम भी फेमस, हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसका बात बन जाता है, चर्चा होता है, अदरवाइज बस ऐसे ही जो था, ऐसे हाइप के लिए कुछ नहीं किया।